अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आल सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। जी दोस्तों, हमारा सफ़र था पेशावर की जानिब और चरसदा हम गए हुए थे, तो वहाँ पर सरडेरी के मुकाम पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाम हमें मिला, जहाँ पर हमने खाना भी खाया और फिर हम मजबूर होकर कि हम उनकी वीडियो बनाएं और आप तक और आप लोगों तक इस पैगाम को पहुँचाएँ कि अगर ज़बरदस्त किस्म के खालस कबाब आपने चपली खाने हों, जिनके अंदर कोई मसाला ना हो और प्योर कीमे के साथ बने हुए और देसी अंदाज़ में, जो कि सालों साल से कहीं, अब तो उनको 100 साल होने के बराबर है कि जो सरढेरी के मुकाम पर चरसदा से मर्दान रोड के ऊपर ये कबाब बनाने वाले मौजूद हैं और हमने इन्हीं के पास कबाब खाए और फिर आप तक ये वीडियो बनाकर पेश कर रहे हैं। वीडियो मुकम्मल डिटेल के साथ देखिएगा और वीडियो में आपको बताएंगे कि ये कबाब कैसे बनाए जाते हैं और फिर कबाब बनाए जाने के साथ साथ और इसका जायका कैसा है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन उससे कबल जिन दोस्तों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल ऑप्शन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर ले। दोस्तों, ऐसा है कि मैं और मेरे दोस्त इसरार शाह साहब और मेरा गुलाम बास साहब, हमने जाना था नौशहरा इंडस्ट्रियल जोन में, जहाँ पर हमने मार्बल फैक्ट्री का विज़िट करना था। तो हम चरसदा से वहाँ मोटरवे से उतरे और फिर हमने मर्दान की जानिब सफ़र शुरू किया। तो रास्ते में हमने खाना खाना था, तो हमने लोगों से पूछा कि यहाँ ज़बरदस्त किस्म के कबाब कहाँ से मिलते हैं। तो उन्होंने हमें इस जगह का बताया कि अकरम साहब हैं और ये मर्दान रोड के ऊपर, और इनके कबाब बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा, तो इनका खाना भी खाया और खाना खाने के बाद फिर जब हमने महसूस किया कि नहीं, ये इस तरह का कबाब शायद ही कहीं और मिलता हो जिसमें प्योर कीमा इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाली जाती है सिवाय इस चर्बी के। इस चर्बी में उसको तला जाता है और जो कीमा होता है, कीमे के अंदर सब्ज़ मिर्चें और उसके साथ तड़फला मिर्चें कुछ थोड़ी तादाद में डाली जाती हैं और नमक असप जायका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर यह भी आपको बात बताते चलें कि ये अपना यहीं पे जानवर ज़बह करते हैं और फिर उसका गोश्त यहीं पे काट कर उसका कीमा बनाया जाता है और फिर उसको कबाबों में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी रेसिपी नहीं है कि कीमे के अलावा, सब्ज़ मिर्चों के अलावा, दफला मिर्चें और नमक असप के अलावा की और चीज़ डाली जाती हो, और हल्का सा शायद इसमें मकई का आटा डाला जाता है और फिर ये अंडे बाद में टेस्ट के लिए थोड़े से डाले जाते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली ये कीमा ऐसे ही है। और ये देख लें, साथ टमाटर का इस्तेमाल जब वो कबाब लगाने की पोजीशन में आते हैं और इससे पहले भी जब उसको मसाला यानी कीमे को मिक्स किया जा रहा है तो उस वक्त ये डालते हैं। इसके अलावा इसके अंदर किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं है जो कि किसी मसनू रेसिपी का, जिसमें मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता हो। और रश की नोयत ऐसी थी कि जब हम यहाँ पहुँचें तो उस वक्त अच्छी खासी लाइन लगी हुई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। खाना खाने के लिए आम नॉर्मल सी रवायती टेबल्स और साथ कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। चलें ये पूछते हैं मलिक साहब से कि ये कैसा इनको जायका लगा यहाँ का। शाह साहब चेक करके दसो पे ये किया जा जायका है। बहुत अच्छा माशाल्लाह जी। पहले क्या क्या मुनफरिद है आपको, पहले भी आप चप्पल कबाब खाते रहते हैं, क्या मुनफरिद जायके में क्या बात है इनकी? मुझे तो लग रहा है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। अच्छा, और ये को खालस लग रहा है। खालस लग, इस बंदे से भी पूछा, उन्होंने कहा ये अकरम चप्पल कबाब वाला बहुत मशहूर है। मैं सब आप बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं आप, तो निबू निचोड़ रहे हैं जबरदस्त जी। ये निबू निचोड़ वाली मिसाल ना हो जाए, निबू निचोड़ नहीं, ये बहुत जबरदस्त। अभी एक सिर्फ नवाला खाया, बहुत मजा आया जी।
बड़े बड़े अच्छे अच्छे होटल भी हैं हर जगह पर, लेकिन ये देसी किस्म का जो है ना ये कबाब खाना, क्या बात है, बहुत मजेदार है जी मलिक साहब। आप जी दोस्तों, हम अपने दोस्तों के साथ आज इधर पेशावर के टूर पे हैं और मलिक लामबाज साहब और सराज शाह साहब हमारे साथ हैं। आपने देखा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर हमने जो केपीकेपी के अंदर आए तो सबसे जो बेस्ट आपका खाना होता है वो कबाब होते हैं और चपली कबाब। और सर डेरी के मुकाम पर हम पहुँचे हैं तो हमने काफ़ी दूर से पूछना शुरू किया था कि यहाँ पर अकरम कबाब वाले कौन से हैं, तो फिर अकरम कबाब वालों का हमने पता किया और यहाँ पर आए और हमने कबाब खाए। ये मेरे पीछे हैं, ये आप सेटअप देख रहे हैं, आपको हमने पहले वीडियो में भी दिखाया है। तो अकरम कबाब वाले बड़े मशहूर हैं और जब हमने इसका टेस्ट किया, इससे पहले मैंने बेशक कई के भी कबाब खाए हुए हैं लेकिन उनके और इनके जायके में बड़ा फ़र्क है और इसमें नेचुरलपन बहुत ज़्यादा है। इसमें जो इसका जायका है वो कुदरती जायका है, इसमें कोई मुझे मसाले नज़र नहीं आए और बिल्कुल प्योर जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक इसमें इस्तेमाल की गई है और ज़बरदस्त किस्म का इसका जायका होने के साथ साथ यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा रहा है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, गलबा जब हम वीडियो बना रहे हैं तो 4 बजे का वक्त होने लगा है, तो इस वक्त अब तकरीबन दिन का खाना एंड होने लगा है तो रश थोड़ा सा कम हो गया है। इस वक्त हम आए थे वो उस वक्त तक लाइनें लगी हुई थी और बड़ा रश था। यहाँ पर जो भी लोग आए चरसदा वाली साइड पे इंटरचेंज से उतर के, चरसदा इंटरचेंज से उतर के आते हैं तो मर्दान रोड पे ये सर डेयरी का मुकाम है। यहाँ पर अगर आप आए तो आपको बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट का खाने का मिलेगा। अभी अकरम ये कबाब वाले हैं, अभी ये मुझे नहीं पता कि इनका रेट्स क्या है, वो आप पूछेंगे भाई ये क्या किस तरह किलो देते हैं आप। ये 480 रुपया किलो, ये 480 किलो किलो जो है 450 रुपए किलो सारा आडू की आप तैयार करके 480 रुपए किलो दे रहे हैं, यानी कि सबसे सस्ता तरीन रेट आप समझ लें कि 480 रुपए का है। पिंडी इस्लामाबाद में आधा किलो कबाब नहीं मिलेगा, यहाँ पर ये किलो कबाब देते हैं, रेट भी इंतहाई मुनासिब और सबसे बड़ी बात कि जायका इनका बड़ा ज़बरदस्त है। तो आप दोस्तों से भी मशवरा करें, पूछें और कभी भी इस तरफ आना हो तो ज़रूर ये अकरम कबाब वाले इनके पास हैं। मलिक साहब से बात करेंगे, मलिक साहब ने जायका देखा, मलिक साहब कैसा लगा आपको? बिल्कुल जी बहुत अच्छा, जो है ना ये देसी किस्म का कबाब बना हुआ है और बहुत प्यारा मज़ेदार कबाब है और ख़ास करके इस मौसम में जो ठंड का मौसम है चल रहा है, इस मौसम में कबाब का तो लुत्फ ही दुबाला हो जाता है। ये सर डेयरी का मुकाम है और पठान जो है वैसे भी आपको पता है कि कबाब बनाने में माशाल्लाह मशहूर तरीन केपीके के एरिया में हर जगह पे वैसे कबाब मिलते हैं, लेकिन हर एरिया में एक कबाब वाला ऐसा होता है जो कि मशहूर होता है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये सर डेयरी में अकरम कबाब वाले हैं माशाल्लाह, अभी हमने खाया है जो उनका टेस्ट बहुत पसंद आया है, तो पिंडी में ऐसा कबाब जो है ना हमें नहीं खाने के लिए। चले जी आप इंशाल्लाह हम अपना जो सफ़र है उसमें जारी रखेंगे। ये ज़िमनन एक वीडियो थी जो हमने अपने अलग से बनाई है और ये सर डेयरी के मुकाम पे अकरम कबाब वाला, और इसका आप कोशिश करेंगे अगर नंबर मिल गया तो वो नंबर भी आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देंगे ताकि अगर आप लोग आते हैं तो कोई मसला होता है रास्ता वगैरह पूछने का तो वो भी आपको बता देंगे। लोकेशन भी हम कोशिश करेंगे पिन करने की कि आपको ताकि आने में कोई मसला ना हो। तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। खुदा हाफिज़।